हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौम्यास कॉन्वर्सेशन। सो इस वीडियो में हम अपना चैप्टर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्लास 10th ICSE बोर्ड का चैप्टर इसको करेंगे। तो गैप आपका स्टार्ट हो चुका था, ये लास्ट वीडियो है, इसमें आपका लास्ट टॉपिक कवर हो जाएगा और गैप आपका ख़त्म हो जाएगा। तो गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हमने देखा कि अकाउंटिंग में कौन से प्रिंसिपल्स इतने सालों से यूज़ आते आ रहे हैं, जो जनरली एक्सेप्टेड है, वर्ल्ड वाइड अकाउंटेंट्स यूज़ करते हैं। ये जो लास्ट टॉपिक है आपका, ये है अकाउंटिंग कन्वेंशंस का, ठीक है। केवल इतना देखो, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है? सिंपल भाषा में जो हमने गैप में जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, उन्हीं प्रिंसिपल्स का ये एक मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। उन प्रिंसिपल्स में ही कुछ चेंजेस करने के लिए ये प्रिंसिपल्स आए हैं। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी प्रिंसिपल्स हैं। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के एक्सेप्शंस हैं, या आप बोल सकते हो मॉडिफाइड वर्जन्स हैं, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स हैं। तो गैप जो हमने पढ़ा है, उन्हीं प्रिंसिपल्स के लिए, उन्हीं प्रिंसिपल्स में चेंजेस लाने के लिए, देखो चीज़ें चेंज होती रहती हैं, प्रिंसिपल्स में जब कुछ कमी दिखी तो उनको चेंज करना पड़ा। तो प्रिंसिपल को तो नहीं हटा देंगे ना जो यूज़ होती आ रही है, उसकी जगह पर नए प्रिंसिपल्स आए, तो उन्हीं नए प्रिंसिपल्स को अकाउंटिंग कन्वेंशंस कहते हैं, या फिर मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स कहते हैं, या फिर एक्सेप्शंस टू गैप, एक्सेप्शंस टू जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। तो यही आपको इसमें देखना है। होता क्या है, 5 है आपके अकाउंटिंग कन्वेंशंस। एग्जाम में देखो आएगा तो आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, जनरली जो वर्ड है ये कीवर्ड है, तो आपको गैप वाले प्रिंसिपल्स लिखने हैं जो अभी आपने लास्ट वीडियो तक पढ़ा है। एंड अगर आपसे पूछा जाए कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है, या मॉडिफाइड वाले क्या है, या एक्सेप्शंस क्या है, मॉडिफाइड मतलब कुछ मॉडिफाई किया, कुछ चेंज किया उसमें, ठीक है, एक्सेप्शंस मतलब जो वो प्रिंसिपल कहता है उसका उल्टा इसमें बोला जाएगा, या उससे हट के कुछ इस वाले प्रिंसिपल में बोला जाएगा, ठीक है, तो आपको कन्वेंशंस लिखने होंगे। अकाउंटिंग कन्वेंशंस कितने हैं? 5 हैं, आपको याद रखने हैं। फाइव है इसका, आप इसको आप याद कर सकते हो, MCPTI, इससे याद रख सकते हो। M से है मटीरियलिटी, M से क्या है मटीरियलिटी, ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ मटीरियलिटी। प्रिंसिपल ऑफ मटीरियलिटी जो है, देखो ये यहाँ पे भी प्रिंसिपल वर्ड यूज़ हो रहा है, ये भी एक प्रिंसिपल है, बट ये मॉडिफाइड प्रिंसिपल है, ये जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल में नहीं है, ये कन्वेंशन है, अकाउंटिंग कन्वेंशन है, ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। मटीरियलिटी का जो प्रिंसिपल है ये क्या कहता है, तो पहले ये समझो कि कहता क्या है, फिर हम देखेंगे कि ये कौन से जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मॉडिफाइड वर्जन है या एक्सेप्शन है। तो प्रिंसिपल ऑफ मटीरियलिटी कहता है कि वो चीज़ें रिकॉर्ड करो जो मटेरियल है फॉर द बिजनेस। अब आप पूछोगे कि एक बिजनेस के लिए मटेरियल क्या होता है, ठीक है, बिजनेस के लिए वो सारी इंफॉर्मेशन मटेरियल है जिस इंफॉर्मेशन से जो उसके इन्वेस्टर हैं, बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, वो अपने डिसीजंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक बिजनेस कितना अर्न करना, फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस कितनी सेल कर रहा है, ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो एक यूज़र ऑफ अकाउंटिंग के लिए, जो उस बिज़नेस में फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट करना चाहते हैं पैसा, उनके लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे, वो देखना चाहेंगे कि बिज़नेस कितना सेल कर रहा है, ठीक है, बिज़नेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है, ये एक मटीरियल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। बिज़नेस के पास स्टॉक कितना है, ये हो सकता है एक मटीरियल इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन जो यूज़र ऑफ अकाउंटिंग के डिसीजन को नहीं बदलेगी, ज़्यादा उतना अफेक्ट नहीं करेगी, वो इमटीरियल इन्फॉर्मेशन होती है। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन या तो मटीरियल होगी या तो इमटीरियल होगी, ठीक है। इमटीरियल इमटीरियल कैसे, आपको भी पता चल गया है। मटीरियलिटी का प्रिंसिपल कहता है कि आपको बस मटीरियल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है, अगर कोई इमटीरियल इन्फॉर्मेशन दिख रही है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना है, ये कहता है ये प्रिंसिपल। इसका सबसे एकदम सिंपल सा एग्जांपल ये है कि एक स्मॉल फर्म है, एक छोटी सी फर्म है, आप फॉर एग्जांपल एक कोई दुकान ही है छोटी सी, ठीक है, कोई शॉप है, और एक है टेलको कंपनी। टेलको क्या है, ये एक टेली कम्युनिकेशन कंपनी है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, कई दूर दूर तक इसके ब्रांचेज हैं, कई सिटीज़ में इसका, कई स्टेट्स में इसका फंक्शन काम होता है, टेली कम्युनिकेशन की सर्विस प्रोवाइड करती है, और ये एक छोटी सी दुकान है, ये रिपेयर का काम करती है, ठीक है,
सामान वगैरह या कुछ किसी भी चीज़ की रिपेयर कर सकती है। अब आपके जो जैसे बुक में भी एग्जांपल दिया है वो ये कहता है कि स्मॉल टूल्स, ये वो इन्फॉर्मेशन है, वो फैक्ट है, वो आइटम है, छोटे मोटे टूल्स जो छोटे मोटे औजार होते हैं वो एक छोटी सी दुकान के लिए मटेरियल इन्फॉर्मेशन है और ये बड़ी टेलको कंपनी के लिए इमटेरियल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, क्यों? देखो, एक छोटी सी दुकान जो है उनका जो खर्च हो रहा है उनके टूल्स पे, ठीक है, जो खर्च वो अपने टूल्स खरीदने पे, औजार खरीदने पे कर रहे हैं वो मटेरियल है। ठीक है, वो उसके कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे जब भी कुछ कैलकुलेशन वगैरह करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी कंपनी, एक टेली कम्युनिकेशन कंपनी, अगर वो कुछ टूल्स खरीद रही है या कुछ उनका यूज़ कर रही है तो उसकी इन्फॉर्मेशन टेली कम्युनिकेशन कंपनी उसके अकाउंट्स में दिखाना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो उस कंपनी के लिए इतना ज़्यादा मटेरियल इंपॉर्टेंस नहीं रख रही है। वो इन्फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल टूल्स, स्मॉल टूल्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या 100, 200, 300, 500 ऐसे के होंगे। ठीक है, पर वो 200, 300, 500 एक छोटी सी दुकान के लिए एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, इनके प्रॉफिट्स को चेंज कर सकता है ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यही बात है कि इसमें आपको बताया गया एक सेम चीज़ स्मॉल टूल्स एक फर्म के लिए, एक बिजनेस के लिए मटेरियल हो सकते हैं और दूसरे बिजनेस के लिए इमटेरियल हो सकते हैं, कंसिडरिंग कि बिजनेस किस टाइप का है। तो यहाँ पर ये जो स्मॉल टूल्स है इनकी इन्फॉर्मेशन मटेरियल इंपॉर्टेंस रखती है इस छोटी सी दुकान के लिए, और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मटीरियालिटी वो इसको रिकॉर्ड करेंगे अपने अकाउंट्स में। यही स्मॉल टूल्स अगर एक टेली कम्युनिकेशन कंपनी के बारे में देखा जाए, टेल्को के बारे में देखा जाए, तो टेल्को के लिए ये स्मॉल टूल्स की इन्फॉर्मेशन इमटेरियल है और इनको अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मटीरियालिटी इमटेरियल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ मटीरियालिटी कहता है। एक चीज़ और, ये जो प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी है ये कौन सी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मॉडिफाइड वर्जन है या कन्वेंशन है, तो वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर आपने पढ़ा था गैप में, ये प्रिंसिपल कहता है कि सारी इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंट्स में दिखानी है, चाहे कैसी भी इन्फॉर्मेशन हो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अकाउंट्स में दिखानी पड़ेगी। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के लिए जो ज़रूरी है वो सब आपको अकाउंटेंसी में आपके अपने रिकॉर्ड्स में दिखानी पड़ेगी एक बिजनेस को। ठीक है, तो ये उसका ही मटीरियल जो प्रिंसिपल ऑफ मटीरियलिटी है उसका मॉडिफाइड वर्जन है, या आप बोल सकते हो उसका एक्सेप्शन है, क्योंकि जहाँ ये प्रिंसिपल गैप कह रहा है कि सारी इन्फॉर्मेशन दिखानी है, प्रिंसिपल ऑफ मटीरियलिटी कहता है केवल मटीरियल इन्फॉर्मेशन दिखानी। ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी, फर्स्ट जो आपका कन्वेंशन था वो हो गया। तो कन्वेंशन वाली प्रिंसिपल कौन सी है इसमें? प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। फुल डिस्क्लोजर आपका गैप था जिसका ये मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल आपकी हो गई। सेकंड आपकी है सी। सी से क्या है? सी से आपकी होती है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? निरंतर, सेम। ठीक है, किसी एक चीज़ को कंटिन्यूसली करते जाना। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी ये कहता है कि अगर कोई बिजनेस है और वो कोई पर्टिकुलर तरीका, कोई मेथड या कोई प्रिंसिपल यूज़ कर रहा है किसी भी चीज़ में, देन उसको उसके साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए फॉर सम ईयर, एटलीस्ट कुछ सालों तक तो कंसिस्टेंट होना चाहिए। कहना क्या चाह रहा है? देखो, यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन होता क्या है? जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री वगैरह है, वहाँ पर फिक्स्ड असेट यूज़ हो रहा है, वहाँ पर मशीन यूज़ हो रही है। मशीन्स क्या होती हैं? मशीन्स असेट होती हैं किसी बिजनेस के लिए। असेट को क्या होता है? असेट वो रिसोर्सेज होते हैं जिनसे मशीन को कैश या मनी मिलता है। ठीक है, इनकम मिलती है, वो असेट होते हैं एक किसी भी बिजनेस के लिए। फिक्स्ड असेट वो असेट होते हैं जो कई सालों के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब अगर फैक्ट्री में मशीन यूज़ हो रही है तो मशीन जो है प्रोडक्शन के लिए, वो मशीन उस फैक्ट्री के लिए फिक्स्ड एसेट है, क्योंकि एक बार मशीन ले लेगा बिजनेस तो एटलीस्ट 10-15 साल तक तो उसको यूज करेगा। तो ये जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं इन पर डेप्रिसिएशन हर साल लगाया जाता है। अगर मशीन 1,00,000 की खरीदी गई है तो 1 साल यूज होने के बाद जब 1 साल आप मशीन को यूज कर लोगे तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब वो यूज्ड हो चुकी है, अब उसकी वैल्यू गिर जाएगी। तो अब फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपए से 1 साल खत्म होने के बाद वो मशीन केवल 90,000 की रह जाए, मतलब 10,000 वैल्यू उसमें डिक्रीज हुई है। ये जो 10,000 कम हुई है वैल्यू, इसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ये 10,000 कैलकुलेट कैसे होती है, इसके लिए डेप्रिसिएशन में अलग अलग तरीके बताए गए हैं।
अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर कोई बिजनेस फर्म डेप्रिसिएशन चार्ज करने का कोई एक पर्टिकुलर तरीका यूज़ कर रही है, कोई एक पर्टिकुलर मेथड यूज़ कर रही है, तो उसको वो मेथड कई साल तक कंटिन्यूसली यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन चार्ज करने के मेथड है ए मेथड, बी मेथड, सी मेथड, तीन मेथड दिए गए हैं। ये बिजनेस फर्म फर्स्ट ईयर में ए मेथड यूज़ कर रहा है, सेकेंड ईयर में ए मेथड यूज़ कर रहा है, थर्ड ईयर में इसने क्या किया, बी मेथड यूज़ कर लिया, ठीक है, फोर्थ ईयर में इसने क्या किया, सी मेथड यूज़ कर लिया, फिफ्थ ईयर में इसने फिर से ए मेथड यूज़ कर लिया। तो आप देखो ये क्या कर रहा है, ये बिज़नेस जो है ये कंटिन्यूसली अपने मेथड को चेंज कर रहा है डिप्रिसिएशन चार्ज करने के मेथड को। तो इससे क्या होगा, जब ये इनके जो 5 साल के अकाउंट्स होंगे इसको वो कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मेथड जो बेसिस कैलकुलेशन का था वही चेंज कर दिया है, और डिप्रिसिएशन के जो मेथड्स हैं इनसे अलग अलग मेथड से अलग अलग वैल्यू आती है, ठीक है, सेम वैल्यू नहीं आएगी हर साल। तो यही बोला जा रहा है कि अगर यू आर यूजिंग अ पर्टिकुलर मेथड इन योर बिजनेस देन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विथ इट, यू हैव टू यूज़ दैट पर्टिकुलर मेथड कंसिस्टेंटली फॉर डिफरेंट फॉर वेरियस ईयर्स, एंड एटलीस्ट कुछ सालों के लिए तो सेम मेथड आपको यूज़ करना चाहिए, तभी आप उसको कंपेयर कर सकोगे अपने अकाउंट्स को, ठीक है। अब यहाँ पर पहली बात तो ये थी कि जो भी मेथड यूज़ करो, अभी केवल डेप्रिसिएशन का नहीं, और कोई मेथड हो सकता है, जैसे कि स्टॉक, स्टॉक की वैल्यूएशन। स्टॉक क्या होती है, जो गुड्स हमारे पास रखे हैं, ठीक है, गुड्स क्या है, दो तरह के स्टॉक जनरली होता है, एक साल के शुरू में और एक साल के एंड में। तो वो स्टॉक की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके भी तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके दिए गए। तो उसमें भी अगर आप एक तरीका यूज़ कर रहे हो तो बिज़नेस कुछ सालों तक वही तरीका यूज़ करना चाहिए, ये पहली बात बताई गई है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी में। दूसरी बात बताई गई है कि अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर नए तरीके आ रहे हैं आपके पास तो आप उनको यूज़ नहीं करोगे, चेंजेस होते रहते हैं, आपको चेंजेस करना पड़े, बट जब वो चेंज कर रहे हो देन उस चेंज्ड तरीके को भी कई साल तक कंसिस्टेंटली यूज करो, ठीक है, ये प्रिंसिपल कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, ये वाला आपका हो गया। अब आता है थर्ड प्रिंसिपल या फिर थर्ड कन्वेंशन, जो प्रिंसिपल ही है, ये सारे प्रिंसिपल्स हैं बट ये अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं। ये है प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, प्रूडेंस पी से याद रखना, प्रूडेंस। इसका एक और नाम है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। प्रूडेंस से आपको समझ में नहीं आएगा, पर कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेशन आपने वर्ड सुना है, कंजर्वेशन से ये वर्ड आया कंजर्वेटिज्म। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है कि रिकॉर्ड ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस, इग्नोर ऑल एंटिसिपेटेड गेन्स। क्या वर्ड बोल रहे हैं यहाँ पर, एंटिसिपेटेड लॉसेस को रिकॉर्ड करो और एंटिसिपेटेड गेन्स को इग्नोर कर दो, मतलब मत रिकॉर्ड करो। तो ये एंटिसिपेटेड लॉस, एंटिसिपेटेड गेन्स होता क्या है, एंटिसिपेटेड का मतलब पहले समझ लो, एंटिसिपेटेड का मतलब होता है एक्सपेक्टेड, हमने जो एक्सपेक्ट किया कि हो सकता है ऐसा हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल एंटिसिपेटेड लॉस पहले देखते हैं, एक बिजनेस है, उन्होंने कई कुछ लोगों को लोन वगैरह दिया है, कुछ उसके डेटर्स हैं, 5 डेटर है फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई, उसने 5ों को लोन दिया है बिजनेस फर्म ने। तो अब बिजनेस को ये पता चल रहा है कि जो ई है वो हो सकता है इंसॉल्वेंट हो जाए, वो पूरा उसका सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा और वो मेरा कर्ज, बिजनेस का कर्ज नहीं चुका पाएगा, ठीक है। तो अगर वो चुका नहीं पाएगा कर्ज, बिजनेस ने पैसे सबको दिए हैं, ई पैसे नहीं वापस कर पाएगा, कर्ज नहीं चुका पाएगा, तो फिर क्या होगा, ये बिजनेस को लॉस हो जाएगा। अब बिजनेस को पता है कि ई की ऐसी हालत है कि वो कुछ टाइम बाद इंसॉल्वेंट हो जाएगा और हमें 10,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो ये एक एक्सपेक्टेड लॉस है, अभी नुकसान हुआ नहीं है, अभी ही इंसॉल्वेंट हुआ नहीं है, बट बिजनेस को लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। तो अगर एक एंटिसिपेटेड लॉस हमें लग रहा है 10,000 का, तो हमें उसको रिकॉर्ड करना है, हमको वो माइनस करके दिखाना पड़ेगा। अगर लॉस होता तो क्या करते, अगर ई पेमेंट नहीं कर पाता 10,000 की तो हमारी भी वैल्यू कम होती, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है कि अगर हमें लग रहा है कोई नुकसान होने वाला है तो हमें उस नुकसान को रिकॉर्ड करना है, और नुकसान रिकॉर्ड करने का मतलब हमारे कैपिटल में, कैश में, मनी में वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई नुकसान हो रहा है तो उसको रिकॉर्ड करो, अगर कोई गेन होने की आपको एक्सपेक्टेशन है, एंटिसिपेशन है कि कोई गेन हो सकता है, कहीं से पैसा आ सकता है, उसको रिकॉर्ड मत करो, ठीक है। अगर हमें लग रहा है कि फॉर एग्जांपल हमारा कोई बैड डेट था पहले, हम एक पर्सन था जो कि इंसॉल्वेंट हो चुका था, पैसे वो नहीं दे सकता है अब हम लोगों को, लेकिन अब लग रहा है हो सकता है पैसे हमें दे दे,
मे बी ये हमें पैसे दे देगा इस बार, बिजनेस का ऐसा लग रहा है कि 10,000 रुपये हमें मिल सकते हैं ए से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर रिकॉर्ड करता 10,000 रुपये को तो इसका मतलब है पैसे बढ़ जाएंगे, ये एक गेन होगा बिजनेस को। हुआ नहीं है अभी, अभी एक्सपेक्टेड है कि मे भी ऐसा हो सकता है, तो उस चीज़ को, वो उस गेन को रिकॉर्ड नहीं करना है, इग्नोर कर देना है। ये है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। मतलब अगर हमें लग रहा है कोई नुकसान होने वाला है, कोई पैसा, कुछ पैसा कम होने वाला है, तो उसको खर्च की तरह दिखा दो। अगर हमें लग रहा है कहीं से पैसा मिलने वाला है तो उसको अकाउंट्स में मत दिखाओ। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, या फिर इसका दूसरा नाम है प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, ठीक है। इसी प्रिंसिपल के बेसिस में, आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा, इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे कुछ चीज़ें एक बिजनेस करता है, जैसे कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है, स्टॉक अभी आपको बताया गया था, स्टॉक साल के शुरू में और साल के एंड में, स्टॉक होता क्या है, गुड्स, जिन सामान में बिजनेस डील कर रहा है वो गुड्स, उन्हीं गुड्स को स्टॉक कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है जो कि क्या करता है, डस्टर बेचता है। जब उसने बिजनेस शुरू किया, साल का स्टार्टिंग हुई, तो उसके पास, बिजनेस के पास 50,000 डस्टर थे, साल भर उसने डस्टर सेल करे, एंड साल के एंड में आते आते उनके पास 30,000 सेल हो चुके, 20,000 डस्टर बचे हुए हैं। तो जो 50,000 डस्टर साल के स्टार्टिंग में थे, ईयर के स्टार्टिंग में थे, वो ओपनिंग स्टॉक था, और एंड में 30,000 बिकने के बाद जो 20,000 डस्टर बच रहे हैं, देखो ऐसा तो नहीं होता साल भर में सारे डस्टर बिक जाएंगे, जो 20,000 डस्टर बच रहे हैं बिजनेस के पास, वो उसका क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक बिजनेस के पास जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, वो उस, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको भी पता चला 20,000 डस्टर हैं, ठीक है, 20,000 डस्टर। देखो किसी भी सामान की, किसी भी प्रोडक्ट के, एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से स्पेशली देखो, या किसी प्रोडक्ट की देखो, दो वैल्यू होती है, ठीक है, दो वैल्यू होती है। पहली आपकी होती है कॉस्ट प्राइस और दूसरी होती है मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। देखो कॉस्ट प्राइस फिक्स्ड है, जितने पैसे में, जितने रुपए में ये 20,000 डस्टर बने वो कॉस्ट प्राइस थी, अब वो तो बन चुके, एक बार हमने खर्च कर दिया, ठीक है, उतने बना। मार्केट में अभी उस एक डस्टर की क्या वैल्यू है, वो उसका मार्केट प्राइस है। फॉर एग्जांपल एक डस्टर बना 20 रुपीज़ का, जब एक कंपनी ने बनाया डस्टर, पूरा बन के तैयार हो गया, उस डस्टर की कॉस्ट प्राइस 20 रुपीज़ आई, ठीक है, अब वो फिक्स्ड है, वो तो चेंज नहीं होगी। डस्टर जब मार्केट में गया तो वो उसकी प्राइस हो गई 30 रुपीज़। अब क्या है, फॉर एग्जांपल 6 महीने के बाद डस्टर की प्राइस हो गई 35 रुपीज़। तो मार्केट प्राइस किसी भी प्रोडक्ट की ये फ्लक्चुएट करती रहती, ऊपर नीचे होती रहती है, कॉस्ट प्राइस फिक्स्ड होती है। ये आपको कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक अगर आपके पास रखा है, 20,000 डस्टर बचे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, कॉस्ट प्राइस और उसकी मार्केट प्राइस होगी। 20,000 डस्टर अगर 10 रुपये की कॉस्ट प्राइस वाले हैं, 10 रुपये पर डस्टर, तो 2,00,000 ये हो गया। और मार्केट प्राइस अगर इनकी अभी 20 रुपीज़ है, पर डस्टर की मार्केट प्राइस 20 रुपीज़ है, तो ये आपका 4,00,000 हो गया, ठीक है। अगर 10 रुपये कॉस्ट प्राइस है तो 20,000 डस्टर कितने हुए, 20,000 डस्टर, 10 रुपये पर डस्टर, 20,000 × 10, 2,00,000 रुपीज़। मार्केट प्राइस इनकी अगर 20 रुपीज़ है तो 20,000 डस्टर्स मल्टीप्लाइड बाई 20 रुपीज़ पर डस्टर, 44,00,000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस आ गई और ये मार्केट प्राइस आ गई क्लोजिंग स्टॉक की। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बोला जाता है कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में जो भी वैल्यू कम होगी, उस वैल्यू पे हम क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्लोजिंग स्टॉक 20,000 डस्टर्स की दो वैल्यूज थी, कॉस्ट प्राइस के हिसाब से 2,00,000 रुपए, मार्केट प्राइस के हिसाब से 4,00,000 रुपए। हमें रिकॉर्ड करना होगा 2,00,000 रुपीज़ में, क्योंकि ये प्रिंसिपल कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में से जो वैल्यू कम होगी उतने पे हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो यही बताया गया कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट पॉइंट था इसमें कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस में। तो यहाँ पर देखो यही बताइए, ये थोड़ा कंफ्यूज मे भी आपको कर सकता है, कुछ नए नए टर्म्स इसमें आए हैं, नए नए कॉन्सेप्ट आए हैं, बट समझ लो एंटिसिपेटेड लॉसेस और गेन्स का कॉन्सेप्ट है। नुकसान हो रहा है रिकॉर्ड करो, कुछ नुकसान हो रहा है रिकॉर्ड कर दो, हुआ नहीं ये हो सकता है, अगर नुकसान एंटिसिपेशन में है रिकॉर्ड कर लो, लगता है कहीं से गेन हो सकता है मत रिकॉर्ड करो। क्लोजिंग स्टॉक को उस वैल्यू पर रिकॉर्ड करो जो वैल्यू कम है,
ठीक है। ऐसी दूसरा पॉइंट कहता है डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन। अब देखो यहाँ पर आपको पूरा डेट्स का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, इतना ज़्यादा डीप जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, इतना आप लिख दोगे आपको नंबर मिल जाएंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस में। अगर आप चाहते हो फिर भी आपको ये पॉइंट समझना या डेट्स वाला, देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो और उसको फिर समझा दिया जाएगा, ठीक है, वरना भी बहुत इसमें टाइम स्पेंड हो जाएगा आपका। अब क्या है आपका, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म हो गया। अब फोर्थ आती है आपकी प्रिंसिपल ऑफ टी। टी क्या है? टाइमलीनेस। टाइमलीनेस वाली प्रिंसिपल, टाइमलीनेस का क्या मतलब होता है? ये सिंपल इतना कहता है कि एक बिजनेस को अपने अकाउंट्स को टाइम के अंदर बना लेना चाहिए। देखो अकाउंट्स कब प्रिपेयर होते हैं? जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। अकॉर्डिंग टू बिजनेसेस जैसे जो यूज़ होता रहा वो क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। 31 मार्च के दिन सारे अकाउंट्स फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं, बैलेंस शीट वगैरह ये सब प्रिपेयर करी जाती है। तो बोला जा रहा है कि जब भी आप लास्ट डे पर प्रिपेयर कर रहे हो, बिजनेस प्रिपेयर कर रहा है अपने फाइनल अकाउंट्स को, तो उसको कम टाइम के अंदर ही प्रिपेयर कर लिया जाए, देर ना करें। क्योंकि जितनी देर वो करेंगे अपने बैलेंस शीट और ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये सब बनाने में, उतनी ज़्यादा लेट होगी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इन प्रिंसिपल्स के लिए। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग नहीं पता है तो वो क्या होते हैं? वो लोग होते हैं जिनको बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से फ़र्क पड़ता है, जो जिनके डिसीजन बेस्ड होते हैं। कोई इन्वेस्टर है तो वो बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का तो वेट करेगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितनी फाइनेंशियल क्या फाइनेंशियल पोजिशन है बिजनेस की, फिर वो इन्वेस्ट करना चाहेगा, किस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को इन्फॉर्मेशन तुरंत चाहिए, कम टाइम में चाहिए। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस को अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टाइमली प्रिपेयर कर देना चाहिए, बहुत लेट नहीं करना चाहिए, जिससे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये वाले प्रिंसिपल की वजह से ही बिजनेस को जनरली बोला जाता है कि देखो जनरली तो हम किस दिन 31 मार्च को बनाएंगे अपने अकाउंट्स, साल भर के अकाउंट्स एंड में कंप्लीट किए जाएंगे, फाइनलाइज करे जाएंगे। तो इसलिए वो ये प्रिंसिपल कहता है कि आप क्वार्टरली अकाउंट बनाओ, मतलब कि अपने फाइनल अकाउंट्स बनाओ। मतलब यहाँ कहा जाता है कि हर 3 महीने बाद एक क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है। साल में 12 मंथ्स होते हैं, 1 क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है, मतलब एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होंगे, ठीक है। तो ये जो क्वार्टरली बताया जा रहा है 3 मंथ्स का, तो 3 मंथ्स हर 3 महीने बाद एक बिजनेस अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेता है, अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेता है। इससे क्या है, एंड डेट पे जब 31 मार्च को अकाउंट्स अपने बनाने होते बिजनेस को, तो वो उनके जल्दी बन जाते हैं और प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस उनकी वो फॉलो कर लेते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस है, सिंपल ये कहता है कि टाइमली आप अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर लो, ठीक है। ये वाली हो गई। अब लास्ट प्रिंसिपल है आपकी प्रिंसिपल ऑफ आई, विच इज इंडस्ट्री प्रैक्टिस। इंडस्ट्री प्रैक्टिस के लिए आपको इंडस्ट्री और फर्म का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। इंडस्ट्री होती क्या है? देखो ये एक कंट्री है। फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया का मैप बना लेते हैं, ठीक है, ये इंडिया है। अब देखो इंडिया के अगर आप देखो शुगर इंडस्ट्री क्या है, आप बोलोगे वो फैक्ट्री जहाँ पे शुगर बन रहा है, नहीं, वहां पर जहां शुगर बन रहा है उसको बोलते हैं शुगर मिल। एक होगा शुगर मिल और एक है आपका टर्म शुगर इंडस्ट्री। शुगर मिल होती है फर्म। इंडिया के अंदर कई जगहों पर ये शुगर के मिल्स या बोलो शुगर के फर्म्स होंगे। ये क्या है आपका, एक डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक शुगर मिल, ये एक फर्म है, ये दूसरा फर्म है, ये तीसरा फर्म, इन सब फर्म में शुगर प्रोडक्शन हो रही है। इन एक एक फर्म को हम शुगर का फर्म या शुगर की मिल बोलते हैं। एक कंट्री के अंदर अगर आप देखो तो ये सारे फर्म्स मिलकर ये एक शुगर इंडस्ट्री बना रहे हैं। तो आप समझ रहे हो इंडस्ट्री और फर्म का ये डिफरेंस होता है। इंडस्ट्री प्रैक्टिस का प्रिंसिपल कहता है कि एक इंडस्ट्री में जितने भी फर्म्स हैं वो सेम तरीके यूज़ करें, ठीक है। सिमिलरली ये आपको मैच करता है कंसिस्टेंसी से। आप बोल सकते हो कि सेम कंसिस्टेंट रहना चाहिए अगर आपको हर साल के अपने अकाउंट्स कंपेयर करने हैं। उसी तरीके से शुगर इंडस्ट्री में जितने भी शुगर फर्म्स इंडिया के अंदर आते हैं वो सब मिलकर एक शुगर इंडस्ट्री इंडिया की बना रहे हैं। जितने भी ये फर्म हैं, जितने भी ये यूनिट्स हैं जहाँ शुगर का प्रोडक्शन हो रहा है, उनको अगर अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, उनको जो मेथड्स यूज़ करने हैं वो सेम होने चाहिए, तभी तो हम इस फर्म के रिजल्ट को इस फर्म के रिजल्ट के साथ कंपेयर कर सकेंगे। हर फर्म के रिजल्ट्स को कंपेरिजन तभी होगा जब बेसिस सेम होगा, जिस बेसिस पे काम हुआ है वो सेम होना चाहिए, ठीक है।
अगर सब अगर हमें कंपेयर करना है सब ने ऐसे लिखा है, फॉर एग्जाम्पल आपके क्लास में होता है ऐसे लिखने को बोला जाता है, टॉपिक तो एक होता है उसमें सब अपना अपना व्यू देते हैं, अपने टाइप का ऐसे लिखते हैं एक टॉपिक पे, फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं फ्यूचर गोल्स एक टॉपिक पे सब अपना अपना ऐसे लिख कर देंगे, दैट बेसिस इज सेम, तभी आप कंपेयर कर पाओगे। ए को आपने बोला फ्यूचर गोल्स पे ऐसे लिखो, टू बी को आपने बोला कि लाइफ पे ऐसे लिखो, कंपेयर करने बैठ जो नहीं कंपेयर कर सकते। तो उसी तरीके से जितने भी फर्म हैं एक इंडस्ट्री के अंदर उन सारे फर्म्स को सेम मेथड यूज़ करना है और वही मेथड इंडस्ट्री प्रैक्टिस बन जाता है। डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एक तरीका ए मेथड जो है वो सारे फर्म्स शुगर इंडस्ट्री के फर्म यूज़ कर रहे हैं, शुगर इंडस्ट्री की ये इंडस्ट्री प्रैक्टिस हो गई कि ए मेथड ही उसके सारे फर्म्स यूज़ करेंगे फॉर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन। तो इस तरीके से ये इंडस्ट्री प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट है। तो ये लास्ट वाला यही कहता है कि इंडस्ट्री प्रैक्टिस जो हो रही है वही सारे फर्म्स को सेम फॉलो करनी चाहिए, ये प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्री प्रैक्टिस है। तो ये पांचों अकाउंटिंग कन्वेंशंस या मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स या एक्सेप्शंस टू गैप क्लियर हो गए होंगे। मटीरियलिटी का है, कंसिस्टेंसी का है, प्रूडेंस, टाइमलीनेस और इंडस्ट्री प्रैक्टिस, यहाँ पर गैप आपका खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर्स करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड एंड ऑल द बेस्ट।